ओके ओके चलो स्टार्ट करते हैं। शीट नंबर 16, ये वाली शीट हमने लास्ट टाइम कवर कर ली थी। नेक्स्ट जो है ये शीट कितने लोगों के पास नहीं है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 16 का प्रिंट आउट लें प्लीज। 16 का कितने लोगों के पास ये नहीं है, सबके पास है? शिवम शीट नंबर 16 देख ले, ये वाली 10 कॉपी ले आना, 10। देखो नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्लक्स चेक करो प्लीज। फ्लक्स की प्रॉब्लम सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई थी? फ्लक्स की प्रॉब्लम ई निकालने की प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस की, 5 के स्टैंडर्ड थे। फिर हमने क्या किया, हमने इमेजिनरी सरफेस लेके फ्लक्स निकाला अलग अलग बॉडीज का, वो एनसीईआरटी की एक और शीट थी। फिर हमने क्या किया, हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया और हमने देखा कि एक सॉलिड स्फीयर, एक चार्ज सॉलिड स्फीयर के इनसाइड अगर आपको ई निकालना है तो कैसे गॉस थ्योरम की हेल्प से आप ई निकालते हैं, थोड़ा सा लेवल में फर्क था। तो मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर ई निकालने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये किया, मैं लेक्चर अपलोड भी किया था व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने सुना भी होगा जिन लोगों ने, जिनको जरूरत थी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी कोन का। ये पूरी शीट पे लिख सकते हो, दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, ठीक। और इसमें हम कुछ प्रूफ करेंगे, लेकिन वो प्रूफ अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको करवाऊंगा। एंड इसके अंदर भी कुछ एक दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज निकल के आएंगे कि इन केस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई कोन के ऊपर आया तो एटलीस्ट हमें वो फॉर्मूला आता हो। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की बॉडी है सच दैट ये कोन की तरह काम कर रहा है, आप चेक कर सकते हो, दिस इज अ कोन सच दैट दिस इज एंगल थीटा एंड थीटा। तो कोन ने सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड किया, 2 थीटा, तो हाफ ऑफ एंगल कितना हो गया, थीटा एंड थीटा। तो अगर मैं ये पूछूं कि पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है तो आप लोग बोलेंगे 4πr². मैं अगर बोलूं कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, आप बोलोगे 2πr², ने उसके अंदर है, कोन भी नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्फीयर है, दिख कोन की तरह रहा है ये, एक्चुअल में ये दो पॉइंट्स जोड़ रखे हैं और मैं सिर्फ इसका एरिया निकालना चाहता हूं। तो मैं इसको ऐसे शेप दूंगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ कोन, तो ये कोन की तरह लिखा होता है ऐसा कुछ, ये लो ये एक कोन है, सिर्फ अगर इस चीज को देखा जाए तो ये एक कोन है एंड दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ये सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ये बताना चाहता हूं, तो इस केस में एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर ये एंगल थीटा तो यहां से लेके यहां तक का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो, 2πr² इंटू 1 cos θ। ये भी एक लंबी स्टोरी है, ये फॉर्मूला कहां से आया, पर हम इतनी डीप में नहीं जा रहे कि वो मैथ्स के एरियाज को हम डिस्कस करें। हालांकि कोई इंटरेस्टेड होगा तो व्हाट्सएप पे मैं वीडियो सेंड कर दूंगा हाउ टू प्रूव इट, मेरे पास है वीडियो, मैंने किया हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आप ये एरिया को प्लीज याद रखें, हाउ टू कैलकुलेट एरिया। एग्जाम्पल है, अगर मैं यहां पर थीटा 90 पुट कर दूं, 90 का मतलब ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर का, 90 पुट करके देखो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर आएगा 2πr², तो सही है, हेमिस्फीयर हो गया। अगर आप थीटा को 180 पुट करो तो ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा, टोटल एंगल 180 और ये भी 180, तो 180 180, टोटल एंगल सेंटर पे क्या हो जाएगा, 2π। तो ये फिगर क्या बन जाएगी, इसमें स्फीयर आप चेक कर सकते हो और स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो हाँ, उस आर्क का सरफेस, ये वाला सरफेस एरिया, मतलब ये वाला, ये देख रहे हो कोन की तरह, बस ये वाला, ठीक। तो अगर टोटल एंगल
ऑब्वियसली पूरे का पूरा स्फेयर लेंगे तो 4πr² बनेगा, आधा लेंगे तो 2πr² बनेगा, पर क्वेश्चन है ना आधा ना पूरा, क्योंकि वो तो मुझे आता ही था, मुझे सिर्फ इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया 2πr² × 1 − cos θ। ये फॉर्मूला याद करना है, कर लिया याद। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, क्यू पॉइंट चार्ज है, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कोन, कोन के ऊपर एक क्यू चार्ज रख दिया, ऑफ सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना है थीटा, शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर अगर चार्ज रखेंगे तो लाइंस हर तरफ जाएंगी, तो लाइन इसमें से भी होके आएंगी, तो आपको सिर्फ इतने पोर्शन में से क्या लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इतने पोर्शन में से वो आपको निकालना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, तो ये क्यू चार्ज है, इसमें से कितनी लाइंस क्रॉस करती हुई आ रही हैं, इसका फ्लक्स निकालो। तो इमेजिन कर लो, अगर मैंने ज्वाइन करूंगा डिस्क की तरह काम कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा कि अगर मान लो क्यू चार्ज है और मैं इमेजिनरी सरफेस पूरा का पूरा क्लोज बॉडी लेता हूं, तो क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन पूरे स्फीयर का। पर मुझे अपना क्वेश्चन पूरे स्फीयर के लिए नहीं करना, और मुझे यह भी पता है कि क्यू चार्ज एग्जैक्टली स्फीयर के सेंटर पे है, तो फ्लक्स हर तरफ से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी लेफ्ट और राइट हर तरफ, तो एरिया के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो जैसे अगर एरिया पूरे स्फीयर का एस नॉट है, यानी कि 4πr² को एस नॉट लिख रहा हूं, तो फ्लक्स कितना है पूरे स्फीयर का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर 1 है तो 1 / s0 × q/ε0, और हम कितने एरिया में इंटरेस्टेड है जिसमें फ्लक्स निकालना है s, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। किसके पास ये शीट नहीं है जो भी चल रही है वो हाथ खड़ा करे प्लीज। ठीक, तो रिपीट कर रहा हूं, अगर s नॉट है तो q बाय एप्सिलॉन नॉट है, अगर 1 है तो 1 / s0 q/ε0 है, और सिमिलरली अगर हमारा इंटरेस्टेड एरिया क्या है s, तो s के लिए q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो q बाय एप्सिलॉन नॉट s बाय s नॉट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो प्रोपोर्शन टू एरिया डिवाइड कर दिया आपने फ्लक्स को, पहले इमेजिनरी क्लोज बॉडी ली, फिर एरिया के हिसाब से डिवाइड किया, तो अब इस केस में हमारा इंटरेस्टेड फ्लक्स आ गया। तो इंटरेस्टेड फ्लक्स जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं इसके इक्वल है, पर हमें पता है कि s नॉट सरफेस एरिया स्फीयर का कितना है, 4πr² है, और हमें पता है कि जो हम इस एरिया में इंटरेस्टेड है उसका एरिया क्या है, 2πr² 1 − cos θ है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फ्लक्स की ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको आप पॉइंट टू रिमेंबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ फॉर्मूला ही एक, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये फॉर्मूला है कोन के अंदर। अगर क्वेश्चन कल को आता है, कोन कह लो या ऐसा कुछ वर्टेक्स गिवन हो, इस वर्टेक्स में से इस तरीके से अगर लाइंस निकले और इसका फ्लक्स आ जाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीधा ही यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? ये तो ये प्रूफ नहीं है एक तरीके से, लिए ऑब्जेक्टिव का ये फॉर्मूला है, आप सीधा फॉर्मूला लगाएं और आपके पास आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पढ़े प्लीज। पॉइंट चार्ज छोटा क्यू इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क के एक्सिस पे एक छोटा क्यू, यहां लिख लेना स्मॉल क्यू चार्ज है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से डिस्क से कितना है, बी है, और ये डिस्टेंस कितना है डिस्क का, आर है, रेडियस आर है और ये बी है। सो शो दैट इफ 1/4 ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम चार्ज पासिस थ्रू द डिस्क, इस चार्ज का जो भी टोटल फ्लक्स है उसमें से 1/4 ही सिर्फ डिस्क में से पास होता है, तो प्रूफ करो कैपिटल आर √3b के इक्वल है। तो पहले काम करें डिस्क का फ्लक्स निकालें, फिर आगे शुरू करते हैं। डिस्क का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करो आपके सामने एक डिस्क है, ये आपके पास एक क्यू चार्ज है, ये बी है, ये आर है, तो इमेजिन करो ये क्यू चार्ज हर तरफ लाइन एमिट करेगा और हम अगर डिस्क के फ्लक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क इतना एरिया कवर करेगा इस स्फीयर का, ये पूरा स्फीयर है, तो डिस्क इतना एरिया कवर करेगा, और ये जो एरिया है इसका फ्लक्स, अगर क्यू चार्ज स्फीयर के सेंटर पे है, तो इतने पोर्शन का फ्लक्स हम निकाल चुके हैं अपने पुराने फॉर्मूले से, q/2εo(1 − cos θ). पॉइंट समझ में आ रहा है? तो था तो डिस्क, पर मैंने वो कोन वाला फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि एक तरीके से ये क्यू चार्ज है और बिल्कुल कोन की फिगर अक्वायर किए हुए है, तो इसका फ्लक्स इसके इक्वल सीधा फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर यहां तक? तो इसका ये फ्लक्स आ गया, पर मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये मेरा
मेरा रिक्वायर्ड फ्लक्स है जो इस कोन में से पास कर रहा है या इस डिस्क में से पास कर रहा है, ये रहा। और टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मेरा रिक्वायर्ड फ्लक्स है इस डिस्क में से वो 1/4 टाइम्स टोटल फ्लक्स के इक्वल है, टोटल फ्लक्स का 1/4 है। तो इस केस में फ्लक्स हमारा कितना है, इतना है, और 1/4 ऑफ टोटल फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आया, कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, टैन यहां से टैन 60 क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय बी, टैन ऑफ 60 इज इक्वल टू आर बाय बी, ये रेशियो पुट करें, और यहां से टैन 60 √3 है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, होगी अटेंडेंस, सबने अटेंडेंस मार्क कर दी प्लीज एक बार। क्लियर है यहां तक? सो ये प्रॉब्लम किस टाइप से सॉल्व करनी है उसका एक नया स्टाइल, और बिना किए ये हो नहीं सकती क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपने देखे नहीं हुए, तो ये फॉर्मूलाज के बेस पे आप इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक। स्पेशली ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम ऐसे होगी, ठीक। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज एक बार। बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखने में ऐसा है लेकिन एक्चुअल में लाइन ऐसे निकलेंगी नहीं। कैसे कि अगर ये Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज हर तरफ लाइंस को इमिट करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऑब्वियसली हर तरफ ही करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, हर तरफ करेगा, और ये एक माइनस Q2 चार्ज है। तो इमेजिन करो कि सारी लाइंस Q2 में, माइनस Q2 में हो सकता है एंटर करें या ना करें, पर वो ये कह रहा है कि मान लो यहां से अगर कोई लाइन जाती है और वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो जाएगी परपेंडिकुलर, आएगी परपेंडिकुलर, तो हो सकता है रास्ता बेंड हो जाए। तो वो कह रहा है कि इसमें ये एंगल कितना बना अल्फा, तो आप, और इसमें एंट्री का एंगल कितना बना बीटा, तो आप अल्फा एंगल से लाइन ओरिजिनेट होती है तो बीटा पे एंटर करती है, तो बताओ बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ नॉन मेडिकल वालों के लिए है प्लीज, मेडिकल वाले बस दो तीन स्टेप्स ही देखें, उसके बाद जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में जाने की। वो क्या कि अल्फा और बीटा अगर एंगल्स गिवन है, और हमें ये मेथड नंबर, अल्टरनेट मेथड देखने की जरूरत अभी है नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है इसमें। तो इसके अंदर क्या करना है कि ये अल्फा, ये Q1 है, ये और अल्फा है, आप इसे ऐसे इमेजिन करें, ये Q1 है और ये अल्फा है ऐसे, ठीक। तो इमेजिन करें कि इस तरीके से एक कोन की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, इसे बनेगा तो नहीं पर अप्रोक्सीमेटली उस टाइप की फिगर है कि अगर अल्फा एंगल पर लाइंस निकलती हैं तो वो यहां पर कोई जो फ्लक्स, यहां पर इस सरफेस में जो फ्लक्स एंटर करेगा इस लाइन से, उसका फॉर्मूला हमने अभी भी ड्राइव किया हुआ है, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस अल्फा सीधा। और उसी तरीके से जो लाइन यहां से एंटर करेंगी वो क्यू टू माइनस क्यू टू में एंटर करने वाली है, तो क्यू टू का माइनस क्यू टू का जो फ्लक्स बनेगा माइनस Q2 का, वो इसके इक्वल बनेगा, एक में एंगल अल्फा, एक में एंगल बीटा। तो जितनी लाइंस परपेंडिकुलरली यहां से निकलेंगी और इसमें एंटर करेंगी उतनी लाइंस कहां पर जाएंगी, माइनस Q2 में जाएंगी। तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू माइनस Q2 बनाएगा कुछ इस तरीके से बीटा एंगल के हिसाब से,
और इधर से अल्फा एंगल के हिसाब से लाइंस निकलेंगी, वो नंबर ऑफ लाइंस एग्जैक्टली सेम होंगी, वो एंगल डिफर कर सकता है क्योंकि हमें ये बताना है कि बीटा का एंगल क्या होगा। तो इस केस में जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है जो Q1 और माइनस Q2 का, जो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, तो यहां से आप इमेजिन करो एक बीच में आपने डिस्क रखी हुई है, इमेजिन करो, रखी नहीं जैसे इमेजिन करना एक एरिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो इसका फ्लक्स होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो इसका फ्लक्स होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन जो ओरिजिनेट हो रही है, तो नंबर ऑफ लाइन जो ओरिजिनेट होंगी Q1 से वो माइनस Q2 में एंटर करेंगी अलग अलग एंगल पर, और मैथ्स में 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करके साइन ऑफ बीटा बाय 2 एक तरफ, और यहां से बीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जो मैथ्स वाले निकाल सकते हैं, मेडिकल में जरूरत नहीं है इसकी। तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है और ये बहुत स्टैंडर्ड बुक्स, बहुत मतलब एक आध बुक में गिवन है, स्पेशली एचसी के अंदर गिवन है, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी आपकी 8वीं या 9वीं प्रॉब्लम होगी जिसमें वो बीटा एंगल पूछेगा आपसे और ऐसा कॉम्प्लेक्स सा आंसर इसमें गिवन होगा। तो ये जब तक आप ये कोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे ना, कोन वाला या सॉलिड एंगल वाला, वो बुक सॉलिड एंगल से समझाती है, मैंने सॉलिड एंगल को इस तरीके से, वैसे नेक्स्ट शीट जो है सॉलिड एंगल की है जो मैं नेक्स्ट टाइम बांटूंगा, लेकिन वैसे एक आइडिया दे देता हूँ सॉलिड एंगल से वो बुक कैसे काम करती है। ये ऑप्शनल है प्लीज, जो मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास सपोज ये एक सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया ने इसके सेंटर पे क्या एंगल बनाया, ये एंगल टोटल, ये वाला टोटल एंगल, ये वाला 3D एंगल है, ये 2D एंगल नहीं है। 2D एंगल तो लाइन का एंगल होता है, ये लाइन का एंगल 2D है। जैसे एक एक सॉफ्टी का कोन है, आइसक्रीम है, मतलब स्फेरिकल हेमिस्फेयर की फॉर्म में, कोन के सेंटर पे जो एंगल बना रही है, उसका पूरा सरफेस जो एंगल बना रहा है वो सॉलिड एंगल है। वो ऐसे लाइन से नहीं दिखेगा, पूरा सरफेस एरिया का एंगल सॉलिड एंगल है। जैसे एक स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है। अब सॉलिड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, दिस इज द सिंबल फॉर सॉलिड एंगल, नॉर्मल एंगल थीटा होता है, सॉलिड एंगल ये होता है। तो ये जो एंगल है सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला होता है एरिया सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर ये स्फेयर है और स्फेयर का अगर आप एक पोर्शन लेते हो, तो स्फेयर का कुछ पोर्शन, मान लो ये ds एरिया है जिसने सॉलिड एंगल क्या बनाया, यहां पर ये सॉलिड एंगल है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अगर आप पूरा स्फेयर लेते हो, पूरे स्फेयर का बोलो एरिया क्या होगा, 4πr², जो टोटल सॉलिड एंगल कितना बना रहे सेंटर पे 4π। तो याद रखना सर्कल का एंगल सेंटर पे 2π होता है, सर्कल का, सर्कल 2D बॉडी होती है, स्फेयर 3D बॉडी है, 3D बॉडी का सेंटर पे एंगल होता है 4π, 2π के यूनिट सर्कल में थे रेडियंस, 4π के यूनिट से स्टेरेडियंस, तो ये स्टेरेडियंस की फॉर्म में मेजर होगा, वो रेडियंस की फॉर्म में मेजर होता है। तो ये सरफेस एरिया का एंगल माना जाता है जिसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो नॉर्मली जैसे अगर एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में 4πr² सरफेस एरिया की जगह 2πr², तो हेमिस्फेयर का सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या माना जाएगा, 2π, 4π की जगह 2π। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया गया, देखो जो हमने फ्लक्स का ये फॉर्मूला निकाला था, हमने किसी और तरीके से निकाला था, जो शुरू में निकाला अल्टरनेट मेथड है इसी फॉर्मूले को कैलकुलेट करने का, ऑप्शनल है, आपको वो समझ में आ गया आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई भी समझ में नहीं आया, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताने के लिए बता देता हूं कि बुक्स में ऐसे किया होता है, टोटल फ्लक्स एक स्फेयर अगर हम ले, एक स्फेयर का सॉलिड एंगल 4π है और स्फेयर का फ्लक्स क्या होता है Q/ε0, और एंगल कितना होता है सॉलिड एंगल 4π, 4π एंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली पूरे स्फेयर का फ्लक्स है Q/ε0, 1 स्टेरेडियन का क्या होगा, पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होगा, इस फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दें, 4π। आपको अभी एक चीज और याद करनी पड़ेगी, जो कोन है, कोन, इसको पॉइंट टू रिमेंबर कर लें प्लीज, एक कोन का सॉलिड एंगल होता है 2π × 1 - cos α, ये याद करना पड़ेगा आपको, एक कोन है उसका सॉलिड एंगल होता है 2π × 1 - cos α। तो अगर कोन का सॉलिड एंगल इसके इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फ्लक्स क्या आएगा, जो टोटल आपने फ्लक्स निकाला पर यूनिट सॉलिड एंगल को सॉलिड एंगल ऑफ कोन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फ्लक्स आ गया। ये थोड़ा अलग तरीका है फ्लक्स निकालने का, मुझे लगता है पहला तरीका ज्यादा बेटर था जो हमने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे निकाला, फॉर्मूला दोनों में एग्जैक्टली सेम है। ये इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कोई एचसी वर्मा पढ़ रहा है
वो बुक पढ़ रहा है वो ना सॉलिड चीज को समझाता है, तो एटलीस्ट आपको वो लैंग्वेज समझ में आएगी वो क्या बात कर रहा है। मेरी तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी तरफ से इस पूरी शीट में सिर्फ आपको दो चीजें याद करनी है। पहला आपको याद करना है, कोई प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है ये बस याद करनी है, 2πr² × 1 − cos θ। इफ रिक्वायर्ड ये सरफेस एरिया आपको चाहिए होना चाहिए, तो पॉइंट याद रहेगा यहां तक। और दूसरा मेरी तरफ से ये रिक्वायर्ड है कि अगर वो वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है और ये थीटा एंगल है, इतने पोर्शन का फ्लक्स अगर निकालने को कहा जाए तो ये फॉर्मूला q/2ε0 1 − cos θ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस पूरी शीट में बस ये दो चीजें मुझे लगता है मोर देन सफिशियंट है। ठीक, आना ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये दो फॉर्मूलाज हमारा काम कर देंगे। ठीक, तो मेरी तरफ से इसके प्रूफ्स आपको सिर्फ समझाने के लिए थे कि कैसे ये चीजें प्रूफ की जाती हैं, रिक्वायरमेंट सिर्फ दो फॉर्मूलाज की है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट